प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दिवाली तक अब देश में सभी गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन जो राशन गरीबों के नाम पर निकलता है उसे राजस्थान में कुछ अमीर लोग कैसे खा जाते हैं इसका खुलासा हुआ है। 100 करोड़ रुपए के राशन घोटाले पर दस्तक दी है संवाददाता शरद कुमार ने। गरीब का बच्चा भूखा रह जाता क्योंकि राशन कार्ड नहीं बन पाता और टैक्स पेयर जनता के पैसे से गरीबों के लिए भेजा गया राशन भ्रष्टाचार के कारण गैर जरूरतमंद बाइक पर भरा कर ले जाते हैं और तब पता चलता है कि गरीब के राशन के नाम पर करीब 100 करोड़ के घोटाले की एक कहानी है जिस पर दस्तक देने आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर के सबसे पॉश इलाके चित्रकूट के किनारे बसी बंजारा बस्ती पहुँचते हैं। गरीब माँ बच्चे को एक कटोरी पानी में गुड़ घोलकर उसमें रोटी भिगोकर खिलाती मिलती है। बच्चा आधा पेट एक रोटी से आधा पेट पानी पीकर भर लेता है। ये गरीब इसलिए राशन सरकारी नहीं पाते क्योंकि राशन कार्ड चाहिए, इसके लिए एक पता होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि गरीब के बच्चों को भुखमरी के झूले में डालने वाला कौन है। जयपुर में यह बंजारों की बस्ती है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में सरकारी राशन देखा नहीं सिवाय लॉकडाउन के दौरान जब सरकार इनके घर आकर सरकारी राशन दे गई थी। यह सिस्टम है, सिस्टम में इस तरह की समस्याएं हैं कि यह लोग सरकारी राशन की दुकान तक जा नहीं पाते हैं और जो सरकारी राशन है वह लोग उपयोग कर रहे हैं जो उसके लिए योग्य नहीं है। कौन है वो लोग अब ये देखिए। दौसा के सरकारी दफ्तर में भीड़ उन लोगों की है जो वर्षों से राजस्थान में गरीबों के हक का राशन उठाते रहे जबकि इनमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ के घरवाले तो डॉक्टर भी हैं। गरीबों का राशन अब तक खुद अयोग्य होकर उठाने वालों में से एक कालू राम है जो सरकारी टीचर है। इन्होंने गरीबों के हक का 780 किलो गेहूं अब तक खुद अपने घर पहुंचवा लिया था। अब नोटिस पहुंचा तो 21,000 रुपए भरने पहुंचे। तो डीलर ने किया था, कुछ हमारे मिसेज लेके आई थी, हम मेरे को पता नहीं था इस चीज का, ये बात है। इधर से नोटिस गया था, नोटिस जाने के बाद राशि जमा कर रही है। इसी तरह ये देवी सैनी है जिनके घर ऐसे गरीब बच्चों के अधिकार का सरकारी राशन अब तक पहुंचता रहा। सैकड़ों किलो गेहूं बेहद गरीब नागरिक का खाकर अब ये भी हरजाना भरने पहुंचे हैं। अनजान होने के कारण हमको इस बात का पता नहीं था, अब नोटिस आया कि भाई आपके इतने पैसे का रिकवरी है, इसको जमा कराओ नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से आज हमने 26,730 रुपए का चालान जमा करवाया। राजस्थान में 100 करोड़ के राशन घोटाले का पता चला है जिसमें सरकारी टीचर डॉक्टर के घर वाले गरीब का राशन उठाते रहे, 27 रुपए किलो वाला गेहूं 2 रुपए किलो की दर से राशन कार्ड बनवाकर खाते रहे, 55% आरोपियों से रिकवरी हुई, 45% आरोपियों से पैसा वसूलना बाकी है। ऐसे कुल कितने लोग राशन घोटाले को अंजाम देते रहे, सच जानने खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव के पास संवाददाता शरद कुमार पहुँचते हैं। 80,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी ऐसे आइडेंटिफाई किए गए पूरे राजस्थान के 33 जिलों में कि भाई इतने 80,000 लोग ऐसे हैं जो कि लगातार गेहूं उठा रहे हैं, कोई एक साल से उठा रहा है, कोई 6-7 साल से। ये राशन लेने वाले लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर 27 रुपए का गेहूं 2 रुपए किलो की दर से खरीदने आते हैं। ये भ्रष्टाचार डीलर स्थानीय नेताओं सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से होता है। बड़े बड़े आते हैं जिनको जरूरत भी नहीं है वो भी आते हैं, फोर व्हीलर लाते हैं, कोई स्विफ्ट ला रहा है, कोई क्रेटा ला रहा है, कोई एस्कोडा ला रहा है, पैदल तो कम ही आते हैं। हमने कोरोना के पहली लहर के दौरान सड़क पर गांव से लेकर शहर तक 2 जून की रोटी के लिए लोगों को भटकते हुए देखा था, मजदूरों को भिखारी बनते हुए देखा था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि संपन्न वर्ग के लोग आज भी गरीबों के अनाज खा रहे हैं। राजस्थान में अकेले 100 करोड़ का गबन सामने आया है। गरीबों का गेहूं खाने वाले भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों से अब तक राजस्थान में 56 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। दावा है कि राजस्थान में 1,69,00,000 लोगों के राशन कार्ड में गरीबों का अन्न लूटने वालों की बड़ी तादाद हो सकती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।